फोन पे पर 100 रुपए मिले। आप जो शुरू में 100 नोटिफिकेशन सुने हैं कि आपके फोन पे अकाउंट में 100 रुपया प्राप्त हुआ, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने फोन पे अकाउंट में इस तरह के 100 नोटिफिकेशन को किस तरह से सेट किया जाता है तो इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में मैं मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के सिखाया हूं कि अपने फोन पे अकाउंट में 100 नोटिफिकेशन को किस तरह से सेट किया जाता है। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मोबाइल की स्क्रीन में अगर आप भी चाहते हैं कि अपने फोन पे अकाउंट में साउंड नोटिफिकेशन यानी वॉइस अलर्ट अगर आप भी सेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह सेट कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। वो एप्लीकेशन है फोन पे बिजनेस। उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है फोन पे बिजनेस। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फोन पे बिजनेस को सर्च कर लेता हूँ। जैसे फोन पे बिजनेस सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस, इसका लोगो देख सकते हैं फोन पे बिजनेस का लोगो क्या है। जब इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सामने भी ओपन का ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ओपन का ऑप्शंस आ गया, यानी मैं इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। जैसे ओपन के ऑप्शंस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस आता है कैंसिल और एक ऑप्शंस आता है ओपन सेटिंग, तो आपको कैंसिल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उसी नंबर को डालना है जिस नंबर से आपने फोन पे अकाउंट को रजिस्टर करके रखा है। तो मैं यहाँ पे अपना फोन पे जिस नंबर से रजिस्टर करके रखा है उस नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे डाल यहाँ पे मैं डाल दिया तो आप उसके नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, यानी आपको डालना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे साइड एक ऑप्शन है गेट स्टार्ट, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आपको एलो कर देना है। जैसे एलो कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शंस आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको डन वाला ऑप्शन जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बाएं साइड ऊपर में एक प्रोफाइल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा जो मैं आपको तीर के निशान के जरिए से दिखा रहा हूं, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस कुछ सेटिंग खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पे है माय लैंग्वेज, यानी आपका लैंग्वेज क्या है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपना भाषा सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वॉइस नोटिफिकेशन सेट करना है। या इससे पहले आप यहां पे देख सकते हैं मेरा ऑफ है, यानी आप हमको जो भी पैसा भेजेगा वो हमको सुनाई नहीं देगा। और इसको जब मैं ऑन कर दूंगा तो मुझे जेब ही में मोबाइल रहेगा और कोई भी पैसा भेजेगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल से आवाज़ आ जाएगा कि इतना रुपया मेरा फ़ोन पे में प्राप्त हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको जो वॉइस नोटिफिकेशन है ए वाला जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे इसको ऑन कर देना है, अब जो भी मेरे अकाउंट में पैसा भेजेगा मुझे मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी इंग्लिश सेट है, अब मैं हिंदी पे क्लिक करके दिखाता हूँ। फोन पे पर 100 रुपए मिले कि इतना प्राप्त हुआ, आप जान सकते हैं। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपका जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। तो मैं हिंदी नहीं रखना चाहता हूँ, इंग्लिश रखना चाहता हूँ, तो इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो फ़ोन पे अकाउंट में वॉइस नोटिफिकेशन है यानी वॉइस जो साउंड है वो सेट हो चुका है। आपके अकाउंट में अब जो भी पैसा भेजेगा आपके मोबाइल में बोल देगा कि आपके अकाउंट में 20 रुपया प्राप्त हुआ, आपके फ़ोन पे में 100 रुपया भेजा गया, इस तरह का साउंड आपके फ़ोन पे में दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी
कि अपने फ़ोन पे अकाउंट में साउंड नोटिफिकेशन को किस तरह से सेट किया जाता है। अगर हमारी चैनल में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो में नए हैं तो लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके एक लाइक्स मुझे मोटिवेट मिलती है। धन्यवाद।